तो भाइयों ये आप देख सकते हैं, अपने रोटावेटर में पहले 13x का गियर लगा था, तो इसको अपन पहले निकाल ले रहे हैं। ये जो गियर है ये 1000 RPM के लिए रहता है, तो अपने को इस रोटावेटर को 1000 RPM से 540 RPM का बनाना है। तो इसके लिए अपन नया गियर इसमें डालने वाले हैं 16-19 का। तो जब अपन 16-19 का गियर इसमें डालेंगे तो ये रोटावेटर 540 का बन जाएगा, और इससे ट्रैक्टर के और रोटावेटर के दोनों के RPM मैच हो जाएंगे। तो इसका मैंने आगे ट्रैक्टर 16-19 का गियर डालने के बाद मैंने ट्रैक्टर से रोटर को भी चला के दिखाया है और इसका डेमो भी दिखाया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और आगे मैंने चार्ट भी किया है, उस चार्ट में आप अपने रोटर के लिए सही गियर का चुनाव कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उस चार्ट का आप पॉज करके भी देख सकते हो। भाई श्रेयस, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो भाई आज हम बताने वाले हैं कि 1000 RPM वाले रोटर को 540 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए अपन ने ये गियर लाए दोनों, ये 16 वाला है और ये 19 वाला है। इसके पहले अपने रोटर में 13x का गियर था और ये रोटावेटर उस टाइम पे 1000 RPM पर चल रहा था, अभी अपन इसको 540 में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई ये अपन ने गियर लाए, ये 16 का है और ये 19 का है, ये शक्तिमान कंपनी के, अपना रोटावेटर भी शक्तिमान कंपनी का ही है। तो अपन इसको इसमें चेंबर में भी फिट करेंगे। तो भाई ये 19 का गियर यहाँ पर लगेगा और ये 16 का ये वाली शॉप में लगेगा ट्रैक्टर के। भाई इस गियर की मदद से आप किसी भी रोटावेटर को 1000 RPM में या फिर 540 RPM में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले रोटर अपना 1000 RPM पर चल रहा था, वो सोनालिका पर चल रहा था, सोनालिका छत्रपति पर। तो अभी ये जो अपना ट्रैक्टर है नया सॉलिस, इसको PTO 540 का है, तो इसलिए अपने को रोटर को भी 540 बनाना पड़ रहा है RPM मैच करने के लिए। तो पहले यही अपना रोटर, इसमें 13x का गियर लगा था जो कि 1000 RPM देता था, अभी अपन इसको ट्रैक्टर के RPM मैच करने के लिए अपन इसको 540 बना रहे। तो इसके लिए अपन ने 16-19 के गियर लाए शक्तिमान कंपनी के। तो भाई इस तरीके से आप इसको घर पे भी फिट कर सकते हो। तो भाई ये लगने के बाद अपन इसको चला के भी देखेंगे। इसमें जब 13x का गियर लगा था तब ये रोटर बहुत कम RPM देता था, ये पूरे मतलब ज़्यादा RPM ये तैयार नहीं कर पाता था, इसलिए अपने को इसको बदलना पड़ रहा है, ये RPM ट्रैक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो आप इस तरह से किसी भी रोटर को जो जिसमें 1000 के गियर है उसको 540 बना सकते हैं। किसी भी मल्टी स्पीड गियर बॉक्स वाले रोटर को आप 1000 से 540 या फिर 540 से 1000 बना सकते हैं दोस्तों। तो इस ये फिट होने के बाद अपन इसको चला के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्तिमान कंपनी ने 17 इधर से और 17-18 का गियर डालने का बोला है, पर अपने को 17-18 का गियर नहीं मिला है, इसलिए अपन 16-19 का उसमें लगा रहे। तो अपन ने कंपनी वालों से पूछा था तो उन्होंने ये बताया कि 16-19 का गियर भी 540 RPM तैयार कर देता है, मतलब 540 रोटर जो 1000 का रोटर है उसको 540 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए अपन ने 16-19 का ही गियर लाया। अपने को जो 17-18 का गियर है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो अपने को मिला नहीं।
तो भाई ये जो अपना रोटावेटर है ये अपने को ज़्यादा आरपीएम नहीं बना रहा था, इसलिए अपने को ये बहुत स्लो गियर में चलाना पड़ रहा था और हाई आरपीएम पे चलाना पड़ रहा था ट्रैक्टर के। पहले अपने को इसको 2 सेकंड में चलाना पड़ रहा था, अभी अपन ने इसके गियर चेंज कर दिए हैं, अभी अपन इसको लो 3 में भी चला सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर लो 4 में भी चला सकेंगे, जिससे ट्रैक्टर की भी चाल बढ़ेंगी और रोटर के अपने को पूरा 180 आरपीएम मिलेंगे, तो उस वजह से अपना टाइम भी बचेगा और डीजल भी बचेगा। तो मैं अभी आपको चला के दिखाएंगे ट्रैक्टर से। तो भाई अभी अपन ट्रैक्टर को अपन 1400 आरपीएम पर और लोके सेकंड गियर में चलाएंगे पहले, और आपको दिखा दे रोटर कैसे कितने आरपीएम बनाता है। तो आप देख सकते हैं रोटर का मतलब आरपीएम कितने बढ़ गए गियर के चेंज करने से। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी लोग के सेकंड गियर में ट्रैक्टर चल रहा है और आप रोटर के आरपीएम देख सकते हैं। अभी अपन इसको लोग के थर्ड गियर में चला के देखेंगे। चलो तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों रोटर की भी चाल आरपीएम बढ़ गए और ट्रैक्टर की भी आरपीएम बढ़ गए, और आप ट्रैक्टर की चाल भी देख सकते हैं। आप देखिए ट्रैक्टर की चाल कितनी बढ़ गई है। अपन इसको लोग 4th गियर में भी चला के देखेंगे। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर कितना अंडर लोड चल रहा है। भाई अभी अपन ट्रैक्टर को लो के 14 गियर में और 1400 आरपीएम पर चलाकर देखेंगे। 1400 अभी फोर्थ गियर में ट्रैक्टर चला के देखेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की चाल कितनी बढ़ गई है और रोटर की भी। पर भाई रोटर के लिए सुटेबल गियर लोका थर्ड ही रहता है, इसलिए अच्छा काम अपना लोके 3rd गियर में ही होगा। तो अपन इसको सिर्फ डेमो के लिए 4th गियर में चला के देखेंगे, देखे थे, पर असली काम अपना लोके 3rd गियर में होता है अच्छे से। 4th गियर में अपन ने सिर्फ डेमो के लिए चला के देखा था ये। अभी फिर से इसको 3rd गियर में कर दिया है, लोके 3rd गियर में। अभी आप देखिए रोटावेटर कितना स्मूथ और आरपीएम कितना ज़्यादा बना रहा है, और आप ट्रैक्टर की चाल भी देख सकते हैं। अभी इससे अपने 2 फायदे दोस्तों, एक तो ट्रैक्टर कम आरपीएम पर अपना ज़्यादा रोटर के ज़्यादा चक्कर बनाएगा और अपनी रोटर की चाल भी बढ़ जाती है गियर के बढ़ने से। पहले अपने को रोटर लोके 2nd गियर में ही चलाना पड़ रहा था, अभी अपन इसको 3rd में भी चला सकते हैं, जिससे अपने एरिया ज़्यादा कवर करेगा ये और डीजल कम लेगा, चाल बढ़ने से ये जल्दी एरिया जल्दी कवर कर लेगा। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस। सबसे मेन बात आप ट्रैक्टर की चाल देख सकते हैं कितना अंडर लोड और कितने ज़्यादा चाल हो रखी है ट्रैक्टर की। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बारीक कर रहा है मिट्टी को। तो भाई अपन नया रोटर तो नहीं खरीद सकते, जो लोग जिनको जिनके पास पुराना रोटर है वो अपने 1000 आरपीएम वाले रोटर को 540 इस तरीके से बना सकते हैं।
और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ गियर लाना है और घर पे आप इसका इसको लगा सकते हैं। तो भाई ये अपने शक्तिमान के गियर है, ये 16 का है और ये 19 का है जो अपन ने अभी लगाया आपके सामने। तो भाई ये अपने को दोनों मिला के 2580 रुपये में गिरे है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।